ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं माइनक्राफ्ट की टॉप 5 स्किल्स, वो भी केवल 24 आवर्स में या फिर उससे कम टाइम में। कितना टाइम लगा ये तो तुम्हें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारी पहली स्किल है वॉटर बकेट ट्रिक, वो भी एकदम बिल्ड लिमिट से। ऑल राइट, तो यहाँ पे देख लो भाई, मैं ऊपर आ चुका हूँ, मेरे पास वॉटर बकेट है। अब हम करते हैं सर्वाइवल, एंड भाई मैं ज्यादा ही ऊपर आ चुका हूँ, मतलब बिल्ड लिमिट से भी ऊपर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, अब दिखना स्टार्ट हुआ है। एंड नीचे भाई बेडरॉक पे हम लोग कुछ आगे करना है, ओके हो जाना चाहिए भाई, ओके लेट्स गो। एंड ये लो भाई डन, पहली स्किल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है वाटर बकेट ट्रिक, जो कि भाई सबको करते आती है। एंड हमारी पहली स्किल डन हो चुकी है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्किल के ऊपर। ओके, तो पहली स्किल तो हमने भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट कर ली, बट जो नेक्स्ट स्किल है वो है बोट MLG। एंड मैं बता रहा हूँ भाई, ये जो MLG है ना, ये मेरे से होती नहीं है, मैं इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ इसको, बट ये मेरे से नहीं होती। पहले भी एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, क्या पता भाई इस बार हो जाए। तो ओके भाई, अब मैं तैयार हो चुका हूँ बोट वाली MLG करने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने पीछे पूरी चेस्ट भर के बोट रखी हुई है, क्योंकि मैं बहुत बार मरने वाला हूँ, मेरे को पता है। ओके, तो सबसे पहले हमें बिल्ड हाइट से करना था, बट मैं पहले ना यहाँ से ट्राई करके देखता हूँ एक बार, यहाँ से हो रही है कि नहीं। ओके 3, 2, 1 लेट्स गो। एंड हमको बोट प्लेस करना है, उसके अंदर बैठना है सिंपली। अरे यार, तो उसके बाद बहुत देर तक मैंने इस MLG को करने की कोशिश करी भाई। हाइट लिमिट की बात तो छोड़ो यार, ये मेरे से यहाँ से भी नहीं हो रही थी। और भाई मैं ना इस MLG को किसी भी हालत में करना चाहता था, क्योंकि भाई हमारी इज्जत का सवाल है। 24 आवर्स थे हमारे पास इन स्किल को सीखने के लिए, एंड भाई एक MLG में इतना टाइम लग जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। ये वैसे बहुत ही ईजी होती है दूसरे लोगों के लिए, बट मेरे को ये थोड़ी टफ लग रही थी, लेकिन एंड में जाके फाइनली मेरे से ये हो ही गई। आई होप इस बार हो जाए, इस बार हो जाए, इस बार हो जाए। हो गई, ओ शिट भाई साहब, हो गई, फाइनली हो गई, बिल्कुल मजा ही आ गया भाई, फाइनली हो गई यार। मतलब मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, इतनी देर से, एंड फाइनली हो गई भाई, बड़ी मुश्किल से हुई, बट हो गई यार। एंड मैंने FOV कितना ज्यादा बढ़ा लिया था, शायद इसके कारण ही हुई है। तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। Are you sure about that? उसके बाद भाई मैं जाता हूँ अपनी नेक्स्ट स्किल के ऊपर, जो कि है स्मार्टीपाई का सैंड क्लच। एंड ये भाई बहुत ही टफ है, मतलब स्मार्टीपाई ने तो बड़ी आसानी से कर जाता, लेकिन दूसरे प्लेयर्स को, जैसे कि मेरे जैसे प्लेयर्स को, इसको करने में बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन भाई अभी मैंने सोच लिया था कि कैसे भी करके इसको मेरे को पूरा करना है, क्योंकि टॉप 5 स्किल्स मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये नहीं हो रही है, आई डोंट नो, ओके नहीं। एंड भाई मैं इसको करने में लग गया, एंड भाई मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जैसे कि यहाँ पे मैं बार बार मर रहा था। और कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि ये वाले केस में ना, मैं बहुत ही क्लोज पहुंच गया था, बट भाई एंड में जाके आखिर में यहाँ पे मैं मर जाता हूँ, एंड ये नहीं हो पाता है। और ये था भाई वो फाइनल केस जहाँ पे मैं फाइनली इसको कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, एंड इसी में भाई मैं सबसे क्लोज पहुंचता हूँ, तो भाई मैंने इसको ही फाइनल कर दिया। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं एंड में पहुंच जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक स्टैंड ब्लॉक प्लेस करके उस तरफ चल जाता हूँ, एंड मैं मरता नहीं हूँ, तो मैंने इसको ही मान लिया। अरे यार भाई, मैं मान रहा हूँ उसको, मैं मान रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं मान रहा हूँ, हो गया, एटलीस्ट मैं मरा नहीं हूँ यहाँ पे आके। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करने वाले हैं ड्रीम का बोट और लावा वाला क्लच, जो कि मैं यहीं पे करूंगा। और यहीं पे मैंने सैंड क्लच भी करा था, और देखो भाई यहाँ पे मैंने एक बाउंड्री बना दी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर मैंने यहाँ तक कर लिया ना, तो भी भाई मैं इसको डन ही मानूंगा। अरे यार नहीं, ऑल राइट लेट्स गो। अरे नहीं भाई, ये क्या हो रहा है यार। और फिर हाँ भाई, थोड़ी देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली मैंने ड्रीम बोट वाला क्लच भी कर दिया, ये लावा वाला थोड़ा मुश्किल था, बट हो गया ये भी। तो हाँ भाई देखो, मैंने जहाँ तक करने के लिए बोला था वहाँ तक मैंने कर दिया है इसको, एंड अब हमारा आखिरी क्लच बचा हुआ है, एंड हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, एंड आखिरी क्लच जो है वो है 5 ब्लॉक जंप। तो भाई फटाफट से चलो 5 ब्लॉक जंप करते हैं। और ये जो 5 ब्लॉक जंप है ना यार, ये मैं ट्रैप डोर की हेल्प से करने वाला हूँ, और ट्रैप डोर की हेल्प से ये बड़ी आसानी से हो जाती है, तो ट्राई करते हैं। लेट्स गो 3, 2, 1 एंड अरे यार, मैं सही टाइम पर जंप नहीं करा इस टाइम। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है। Let's go, jump! हो गई भाई, 5 ब्लॉक जंप हो गई फाइनली। यहाँ से लेके तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कूदा हूँ, लेट्स गो। मेरे को पता नहीं था इतनी आसानी से हो जाएगी यार। और हाँ भाई, मैंने जब बाद में रिप्ले में देखा, तो मुझे पता चला कि मैंने इस जंप को कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि मैं पास वाले ब्लॉक पे गलती से कूद गया था, इस वाले ब्लॉक पे कूदने के बजाय, तो हमें इसको वापस करना पड़ेगा। जंप हो गई, ओ देखो भाई, मैंने शायद 7 5 ब्लॉक नहीं 6 ब्लॉक जंप कर दी भाई, मैं ये वाले ब्लॉक पे लैंड हुआ हूँ।
या फिर ये वाले पे, वो तो रिप्ले में ही पता चलेगा। बट फाइनली हम लोग ने इसको भी कंप्लीट कर दिया है और इसी के साथ साथ हमारी जो टॉप 5 स्किल्स है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर तुम लोग को भी ये वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई मैं बोल रहा हूँ देखो सब्सक्राइब कर दो वरना पीछे जो वो डुक्कर दिख रहा है ना मैं उसको जाके मार दूंगा। अब अगर तुम लोग भी इसकी जान बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, देखो कितना कितना क्यूट है यार, मैं नहीं मारना चाहता इसको, कर दो यार सब्सक्राइब। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस आउट, बाय बाय।